वरदान बिल्कुल ये आपके सामने ही है। हम वैसे पहले चिकन का था हमारे आज से 30 से 35 साल पहले, फिर उसके बाद हमने चिकन का जब शुरू किया तो उसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला, तो साथ में हमने चिकन भी कर लिया। सर ये इटली की मशीन है, ये इम्पोर्ट करवाई है हमने, फिर एक साथ तो वैसे 16 पीस हो जाते हैं। अब इसकी जो मेन स्पेशलिटी है वो ये वायर है जो सेंसराइज है, हम इसके अंदर लगा दिया मैंने, जैसे जैसे ये कुक होता रहेगा वहाँ पे आ जाएगा ये 20% 30%, हम इसको 80% पे निकाल लेंगे, बाकी जब हमें कस्टमर ऑर्डर देगा 20% हम तब इसको हीट करके करवा देंगे। आपके सामने इसकी हीट लगा दूंगा मैं, ये इसका बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट और जूसी टेस्ट होता है सर। बिल्कुल उसमें सर 3 से 3.5 घंटे लगते थे मशीन में पहले वाली थी, अब इसमें 8 से 9 मिनट में चिकन पूरा रेडी हो जाता है। केला तेज होने की बात नहीं, इसमें बहुत ही बढ़िया बनता है, जो कि इसका ऊपर से ये सारा क्रिस्प हो जाएगा, आपको लगेगा अंदर भी सूखा पर अंदर बिल्कुल इसके जूस होता है। बारबेक्यू होता है ये जो आपके सामने लगा जो स्पेशल है हमारा, उसके बाद ये हमारा तंदूरी चिकन है ये, अच्छा ये भी इसी मशीन में ग्रिल्ड होता है ये, और ये हमारा ईरानी चिकन है, ये हमारा चिकन टिक्का है, ये हमारा फिश टिक्का है, ये हमारा मलाई टिक्का है। बारबेक्यू में हमारे पास फ्लेवर्स हैं, लोग ना वो प्लेन खा के थोड़ा बोर हो गए, उसके लिए हम लेके आए एक ये गार्लिक फ्लेवर है गार्लिक बारबेक्यू, फिर एक है ये ब्लैक चिली, यहाँ पे इसकी अब स्मेल देखना है इसकी पूरी, इसको काली मिर्च पीस के डाला हुआ पूरा काली मिर्च चाहिए, और एक है हमारा ये ओरिगैनो, एक इस बारबेक्यू ऊपर ये लगता है। बारबेक्यू हमारा जो प्लेन है वो 460 है, अगर उसको आप मैरिनेट करवा के फ्लेवर में लेते हो 520 पे है वो। टॉप में इसका पोर्शन है पीस करके आपको मैं गार्लिक में इसका करवाऊंगा फ्लेवर टेस्ट। गार्लिक बारबेक्यू सॉस है जो हमारी रेडी की हुई है, इसको मैरिनेट करके फिर इसको एक गार्लिक बारबेक्यू सॉस है जिसके हम पूरी रेडी की हुई है ये लगा के फिर इसको हम ग्रिल करेंगे, इसको थोड़ा हल्का सा इसमें क्रिस्पीपन भी आ जाएगा सर। इसको 3 मिनट लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेगा बस लगाया हुआ।